press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इम। एक्चुअली शुरू करते हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि फ़्लिपकार्ट से ख़रीदे हुए सामान का बिल जीमेल आईडी से डाउनलोड कैसे करें। अगर आपने फ़्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर अभी तक अपने जीमेल आईडी को अपडेट नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ सामान अगर आपके घर पहुँच जाता है तो उसके बाद आपके जीमेल आईडी पर आपको फ़्लिपकार्ट की तरफ से एक ईमेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ईमेल मिल चुका है। और या फिर आप ऊपर की तरफ सर्च बॉक्स पर जाकर उस प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको फ़्लिपकार्ट का वो ईमेल मिल जाएगा। ईमेल ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ लास्ट में आपको इस प्रोडक्ट का इनवॉइस बिल पीडीएफ फॉर्मेट पर मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ डाउनलोड वाले आइकॉन पर क्लिक करके इस बिल को डाउनलोड कर देना है। और जैसा कि नोटिफिकेशन बार पर आप चेक कर सकते हैं, बिल डाउनलोड हो चुका है। और इस पर टैप करने के बाद यहाँ से इस बिल को ओपन कर लेना है और आप किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए इस बिल को ओपन कर पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, फ़्लिपकार्ट से ख़रीदे हुए सामान का बिल यहाँ पर ओपन हो चुका है और आप इस बिल को वर्चुअल या फिर इसका प्रिंट निकाल के इसको फिज़िकली यूज़ कर सकते हैं।